हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रहा हूं आपका एक नई ट्रेन यात्रा में। और अभी मैं खड़ा हूं पंजाब के सरहिंद जंक्शन में, और आज की यात्रा भाई काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज हम जाने वाले हैं यहां से पहले ट्रेन नंबर 04567 अम्बालाकैंट और नंगल डैम के बीच में चलने वाली डेली पैसेंजर ट्रेन में आज हम सफ़र करेंगे। और यहाँ जहाँ से जाएंगे अनंतपुर साहब के बाद में आपको माता श्री नैना देवी के दर्शन कराएंगे। तो आज मैं अकेले सफ़र नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ देखिए अपने भाई लोग सफ़र कर रहे हैं। अपने बड़े भैया दीपक भाई हैं, और ये अपने चंदन भाई हैं, और ये कन्हैया इनका नाम है, और ये अपने बड़े भैया विजय भाई। तो चलिए जब आती है अपनी पैसेंजर ट्रेन तो दिखाते हैं आपको भाई। ये मतलब मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है पैसेंजर ट्रेन में। मैंने एक्सप्रेस और सुपरफास्ट में तो काफ़ी सफ़र किया है, बट आज हम आपको पैसेंजर ट्रेन का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसी होती है पैसेंजर ट्रेन की जर्नी। और स्टेशन की बात करें तो सरहिंद जंक्शन 3 नंबर का प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और स्टेशन कोड SIR, और ये नॉर्दर्न जोन के अम्बाला डिवीज़न में आता है अपना सरहिंद जंक्शन। और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी अम्बाला अटारी वाली मेन लाइन, और एक लाइन अपनी यहाँ से जिस लाइन से हम जाने वाले नंगल डैम वाली जाती है। दोस्तों आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारी मेमू ट्रेन देखिए आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। देखिए इसका अराइवल। फाइनली हमारी ट्रेन अराइव कर चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और देखिए इसका इंटीरियर। देखिए ऐसा कुछ इंटीरियर इसका अपनी मेमो ट्रेन का। सिटिंग अरेंजमेंट आपको सही से मिल जाएगी इसमें, देखिए ऐसा कुछ। अरे फाइनली निकल गए हम सरहिंद जंक्शन। देखिए सब दोस्तों फाइनली हम मिल चुके हैं अम्बाला वाली लाइन छोड़ के फतेहगढ़ साहब वाली लाइन पर, और जो सामने आप देख रहे हैं ना जिस पर मैं जूम कर रहा हूँ ये अपनी अम्बाला वाली लुधियाना वाली लाइन है जो लुधियाना को जाती है, और सामने हम मिल चुके हैं फतेहगढ़ साहब। दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं सरहिंद जंक्शन की। अगर टाइमिंग की बात करें तो अपनी इस पैसेंजर ट्रेन की, तो ये रोज़ाना 6:10 पर अम्बाला कैंट से खुलती है, और सेम डे आपको 9:55 पर नंगल डैम पहुँचाती है। और इस दौरान ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 157 किलोमीटर का, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लेती है 3 घंटे और 45 मिनट्स 19 हॉल्ट के साथ भाई, इसके टोटल 19 हॉल्ट होने वाले हैं। इसका पहला स्टॉपेज आएगा अपना फतेहगढ़। तो गाइस अम्बाला से 57 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर के बाद अपनी ट्रेन आधा घंटा देरी से पहुंच चुकी है फतेहगढ़ साहब। FGSB स्टेशन कोड है, और यहाँ पे टोटल एक ही प्लेटफॉर्म है, और 7 ट्रेनें यहाँ से ओनली हॉल्ट करती हैं। 7 ट्रेनों के यहाँ पे पर डे हॉल्ट। फतेहगढ़ साहब। ट्रैक है तो यहाँ से मोरिंडा जंक्शन। तो अम्बाला से 77 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर के बाद हमारी ट्रेन पहुँची न्यू मोरिंडा जंक्शन, और MRND का स्टेशन कोड, और ये जंक्शन पॉइंट है क्योंकि एक लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी चंडीगढ़ वाली यहाँ से आ रही है, और एक लाइन अपनी अनंतपुर को जाती है। 2 मिनट का स्टॉपेज अपना, और यहाँ पे ये आधा घंटा लेट आई है। ट्रेन डिपार्ट कर रही है न्यू मोरिंडा जंक्शन। देखिए न्यू मोरिंडा जंक्शन।
ऐप होती हैं उसको चेक किया तो तीन चार पर पचास रुपये यहाँ पर जो बाइक पचास पर दिखाता है तो बड़ा होता है जो बड़ा इसका प्राइस बता दें आपको 70 रुपये देने होंगे अगर आप माला से नंगल है तो जाते हैं और इसमें सेम सेम फीस लगेगी आपका सेम किराया है। अब जब सीधा मिलते हैं आप रूपनगर रेलवे स्टेशन नंगल डैम अमृतसर एक्सप्रेस भाई अराइवल हो रहा है रूपनगर रेलवे स्टेशन अम्बाला से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पर हमारी ट्रेन पहुंची अपने 15वें स्टॉपेज रूपनगर आरपीएआर का स्टेशन कोड और 2 मिनट का अपना स्टॉपेज है यहाँ पे। और स्टेशन की बात करें तो 2 प्लेटफॉर्म स्टेशन है यहाँ पे टोटल 18 ट्रेनों का हॉल्ट है और कोई भी ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और कोई भी यहाँ से टर्मिनेट नहीं होती है। चलिए 2 मिनट स्टॉपेज के बाद निकलने वाली अपनी पैसेंजर ट्रेन फाइनली 2 मिनट के स्टॉपेज बाद हमारी ट्रेन निकल गई रूपनगर रेलवे स्टेशन देखिए डिपार्चर रूपनगर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ये जो लेट से चल रही थी यहाँ पे 13 मिनट की देरी से आई थी अपनी पैसेंजर नामी ट्रेन बहुत कस का पहाड़ है तो फाइनली हमारा अराइवल हो रहा है किरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन रुकता जा दो गड्डी फाइनली हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर 1 मिनट के स्टॉपेज के बाद और भाई जो ये लेट चल रही थी ना इसने अपना पूरा टाइम कवर कर लिया है देखिए कीरतपुर साहिब सामने पहाड़ देखिए क्या मस्त व्यू हो रहा है पहाड़ का एकदम प्राकृतिक सुंदर का नज़ारा ले लीजिएगा इस देखिए भाई यहाँ पे क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है।
अनंतपुर। अपनी फाइनल डेस्टिनेशन अनंतपुर साहिब ANSBC का स्टेशन कोड है और एक प्लेटफॉर्म का स्टेशन है अनंतपुर साहिब। शौक जी बात करें तो यहाँ पे 24 ट्रेनों का पर डे हॉल देखने को मिलता है और ये भी नॉर्दर्न जोन के अम्बाला डिवीज़न में आता है अपनी अनंतपुर साहिब रेलवे से। अब हम आपके करवाएँगे गुरुद्वारा जी के दर्शन। चलिए चलते हैं, अपने एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। दोस्तों ये अनंतपुर साहिब के बाहर जाने का एग्ज़िट पॉइंट देखिए और अपनी ट्रेन निकल चुकी है अनंतपुर साहिब स्टेशन से। हम आ चुके हैं और अभी मैं खड़ा हूँ अनंतपुर के बस स्टैंड पे और अब इस पार्ट से हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जो कि हम बस से आपको दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।